ओके okay, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जो डाउट्स हैं आपके अब तक बुक पढ़ने के बाद दैट वी विल सी बताइए बुक यस पेज नंबर फोर पे सेकेंड फोर्थ लाइन रिप्रोडक्शन वाला पेज नंबर फोर सेकेंड पैराग्राफ रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन मल्टी सिलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट इन वेरिएबली एंड इंप्लिसिटली वी रेफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो यहां पर हमारे को दो पॉइंट समझने आ गए इफ प्रोजनी इफ प्रोजनी मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स इफ प्रोजनी मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स

सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने आया आपको बुक में लाइन लिखी है इफ प्रोजनी मोर और लेस सिमिलर ऐसा नहीं लिखा हंड्रेड परसेंट सिमिलर टू पेरेंट्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट वी कॉल इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवेरिएबली इनवेरिएबली मतलब नो डाउट आफ्टर दिस नो डाउट आफ्टर दिस इन वेरिएबली मीन्स नो डाउट नेक्स्ट है और एक बात यहां पर इन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम है सिनोनिमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनिमस सिनॉनिमस का मतलब है सिनोनिमस मतलब सेम मीनिंग सेम मीनिंग आना चाहिए ठीक है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर डिफरेंट थिंग्स और सेम थिंग सेम थिंग इफ आई से बैक्टेरिया इज ग्रोइंग, वॉट मीन मीनिंग यू आर टेकिंग बैक्टेरिया इज ग्रोइंग का मतलब ये है मे बी बैक्टेरिया इज डिवाइडिंग एंड बिकमिंग टू बैक्टेरिया और रिप्रोडक्शन सिनानिमस अगर मैं बोला ह्यूमन इज ग्रोइंग तो ह्यूमन इज ग्रोइंग मतलब आप क्या लेंगे मीनिंग ह्यूमन है बॉडी वेट इज इंक्रीजिंग हाइट इज इंक्रीजिंग तो ये ग्रोइंग होता है अगर ह्यूमन इज ग्रोइंग का मतलब आप ह्यूमन इज रिप्रोड्यूसिंग तो नहीं ले सकते आप कैन यू टेक दैट मीनिंग ह्यूमन इज ग्रोइंग मीन्स ह्यूमन इज रिप्रोड्यूसिंग ऐसा तो नहीं ले सकते करेक्ट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हैं सेम मीनिंग ठीक है ओके okay. और क्या है देखिए हाँ पेज नंबर फोर पे लाइन six, देखिए आप इन मेजोरिटी ऑफ हयर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स म्यूचुअली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दैट मीन दे आर डिफरेंट इवेंट्स इन multicellular organisms in multicellular organisms growth and reproduction are growth and reproduction are mutually exclusive exclusive events and different events ye. different events they are not same they are different events. But uh, in case of unicellular organism, growth and reproduction are synonymous. In multicellular organism, growth and reproduction are different things. Different things. Hai. Okay. Next. Our council line I have to doubt. ओके okay. बताइए हाँ यूनि ऑर्गेनिज्म में सेल डिविजन वही रिप्रोडक्शन भी वही है अब एक अमोएबा है दो बन गए समझो तो आप इसको क्या बोलेंगे सेल डिवीजन बोलेंगे रिप्रोडक्शन बोलेंगे दोनों भी बोलो सेम सेम ही है दोनों भी वही तो बता रहा हूं मैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस सेम मीनिंग बट इन केस ऑफ मल्टी सेलर ग्रोथ इज डिफरेंट रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट नेक्स्ट पेज नंबर फाइव पे लास्ट पैराग्राफ लास्ट सिक्स लाइंस पढ़ो पेज नंबर फाइव लास्ट सिक्स लाइंस, पेज नंबर फाइव लास्ट सिक्स लाइंस, थोड़ा सा वो कैमरे को घुमाओ स्टैंड थोड़ा सा, बस ओके okay. तो पेज नंबर फाइव पे देखिए लास्ट फाइव लाइन्स six therefore, we can say that living system are self-replicating, evolving, self-regulating. living system is self-replicating. self-replicating living system is evolving and self-regulating. what is the meaning of this? these three are the characters of living system ंग सिस्टम इज सेल्फ रेप्लीकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग सेल्फ रेप्लीकेटिंग मतलब रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमन आर रिप्रोड्यूसिंग अमोंग दम सेल्व राइट कैट्स आर रिप्रोड्यूसिंग अमोंग दम सेल्व डॉग्स आर रिप्रोड्यूसिंग अमोंग दम सेल्फ सेल्फ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं इवॉल्व कर रहे हैं इवॉल्व कर रहे हैं मतलब कीप ऑन चेंजिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होते जा रहे हैं

स्वेटिंग कंट्रोल कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन स्वेटिंग कब करना है शिवरिंग कब करना है राइट विंटर सीजन में शिवरिंग करो समर सीजन में स्वेटिंग करो ये सब कौन सिखा है? कोई सिखा रहे नहीं? ये सेल्फ रेगुलेटिंग है सेल्फ कंट्रोल्ड सेल्फ मॉनिटर्ड और आगे क्या है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्यूचर आर लिंक टू वन अदर बाई शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए जेनेटिक मटेरियल इज सेम इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल तो सबका सेम ही है डी एन ए सबका सेम ही है जेनेटिक मटेरियल इज सेम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट टू वैरिंग डिग्रीज बुक में लिखा है जेनेटिक मटेरियल इज सेम बोलते सेम टाइप सेम है डीएनए सेम है बट टू वेरिंग डिग्री उसके अंदर सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है इंफॉर्मेशन अलग हो सकता है और कौन सा है डाउट सीजनल ब्रीडर्स आर एफेक्टेड फ्रॉम फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स सीजनल ब्रीडर्स एफेक्टेड फ्रॉम फोटो पीरियड अब जैसे डॉग्स हैं कैट्स हैं उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है वो सीजन में ब्रीडिंग करते हैं दे आर नॉट अलाउड टू ब्रीड थ्रूट द ईयर उनके डे लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है डे लेंथ नाइट लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है वेन दे हैव टू ब्रीड फोटो पीरियड पर डिपेंड है जबकि ह्यूमन के लिए कोई इफेक्ट नहीं है ये सीजन का ह्यूमन्स कैन ब्रीड इन एनी सीजन थ्रू आउट द ईयर कौन से भी सीजन में कौन सा भी डे लेंथ हो कौन सा भी नाइट लेंथ हो लेकिन एनिमल्स में क्या है डे लेंथ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं ओके पर्टिकुलर सीजन दे हैव टू ब्रीड इन दैट सीजन ओनली So that time they identify the season by using day length and night length. That is photo period effect is more on seasonal breeders. They are more affected. Even plants, plants are also affected from photoperiodism, day length and night length. Okay. Now, yes. Page number, page number five may. थर्ड लाइन पेज नंबर फाइव में थर्ड लाइन नो नॉन लिविंग रिएक्शन कैन बी डेमो आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ्री सिस्टम मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो मेरे सेल में हो रहे हैं वही रिएक्शन आई कैन डू द सेम रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब ऑल्सो सेम रिएक्शन यू कैन डू बट दो रिएक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज लिविंग cannot be called as non living but they are called as living reaction if you conduct one reaction glucose into pyruvic acid the same reaction which is going on inside my cell if you carry out same reaction in test tube whether you call that test tube as living organism no whether you call that as non living organism no whether you call it living reaction yes they are called living reaction नेक्स्ट अभी हम आज पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमन क्लेचर बाइनॉमियल नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर क्या है ये टॉपिक इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ गिविंग नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग टू सेपरेट वर्ड्स साइंटिफिक मेथड है ये गिविंग नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग टू सेपरेट वर्ड फर्स्ट जेनरिक नेम सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट बोल सकते हैं या स्पीशीज नेम बोल सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट बोलो या नहीं तो स्पीशीज नेम बोलो यस्टेडे वी हे लिस्टेड आउट सेवरल साइंटिफिक नेम्स several scientific name right homo sapiens solanum tuberosum anna so every scientific name is having two separate words first generic name and second species name species name is also called species epithet okay and this binomial nomenclature proposed by who started this binomial nomenclature

सिस्टेमा नेचरी बुक दिस बुक इज हैविंग लिस्ट ऑफ ऑल द साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दट आर गिवन बाई कैरोलियस सिस्टेमा नेचरी वॉट इज मीन बाई सिस्टेमा सिस्टेमा का मतलब बताइए सिस्टेमा सिस्टेमेटिक अरेन्जमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स systematic arrangement, Systema. systematic arrangement, so what rules he used for giving names to the living organism and what was the purpose, scientific name, what is the purpose, so many regional languages are there, in each regional language there is a name.

साइंटिफिक नेम्स आर गिवन फॉर वॉट परपज टू मेंूल थ्रू आउट द वर्ल्ड देर शुड बी सेम नेम थ्रू आउट दर्ल्ड सो दैट साइंटिस्ट कैन कम्युनिकेट इजीली है ना अदरवाइज जो है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम्स रहेंगे सेम प्लांट सेम एनिमल के लिए तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन So to maintain international uniformity, binomial nomenclature was introduced. This is the purpose. Now let's see the rules of binomial nomenclature. What rules the Rule number one: In case of binomial nomenclature, two separate words are used. Two separate words, not in a single word two separate words. First one is genus name, second one is a species name already, Manjifera, Indica, like this two separate words are used. And the genus name should start with capital letter, genus name start with capital letter कंपलसरी कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए कहीं पर भी साइंटिफिक नेम आ जाओ मिडिल ऑफ द सेंटेंस में हो एंड ऑफ द सेंटेंस में हो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कंपलसरी जीनस नेम कैपिटल लेटर में स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर में लिखना है थर्ड वन हैंड रिटर्न साइंटिफिक नेम अगर आप हाथ से लिख रहे हैं कोई साइंटिफिक नेम Handwritten scientific name. Handwritten scientific name should be underlined. Should be underlined separately. Separately. Genus and species name separately. Underlined separately. जीनस एंड स्पीशीज नेम जीनस और स्पीशीज नेम को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए सेपरेट सेपरेट अंडरलाइन करना सिंगल अंडरलाइनिंग नहीं चलेगा जैसे मैंजीफेरा इंडिका है एक ही अंडरलाइनिंग करे इसे नहीं चलेगा सेपरेटली अंडरलाइन करना मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन इंडिका को अलग अंडरलाइन ये तो हैंड रिटर्न की बात हो गई प्रिंटेड साइंटिफिक नेम को क्या करना चाहिए प्रिंटेड साइंटिफिक नेम प्रिंटेड साइंटिफिक नेम शुड बी इन इटैलिक फॉर्म शुड बी इन इटैलिक इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहिए और साइंटिफिक नेम कहा कौन से लैंग्वेज से डिराइव होते हैं यस लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है डिराइवड फ्रॉम कौन सी लैंग्वेज से डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होते हैं ऑथर ऑथर मतलब साइंटिस्ट हुइंटिफिक नेम फॉर द फर्स्ट टाइम मैनजी फेरा इंडिका ये वर्ड सबसे पहले कौन यूज करे कौन दिए दैट इज ऑथर ऑथर नेम इन एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में इन एब्रीविएटेड फॉर्म इन बोल्ड बोल्ड लेटर्स नॉन इटैलिक नॉन इटैलिक में रहना चाहिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंजी फेरा इंडिका ये जीनस हो गया ये स्पीशीज नेम हो गया मैंजी फेरा को अलग अंडरलाइन करे इंडिका को अलग अंडरलाइन करे एंड साइंटिस्ट का नाम ऑथर नेम लिख रहा हूं यल आई एन एन यल आई एन एन एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना पूरा नाम नहीं लिखना लीनियस नहीं लिखना चाहिए और इसको अलग से अंडरलाइन करना नहीं चाहिए नॉट अंडरलाइंड वेदर लीनियस इज ऑल्सो अंडरलाइन नो अंडरलाइन नहीं करना चाहिए ये रहा ऑथर नेम ऑथर नेम होना चाहिए अब मैं क्या बोल रहा हूं ये बोल्ड लेटर में लिखना चाहिए जैसे कि अगर बुक में मैंजीफरा इंडिका रहेगा तो कैसा इटैलिक फॉर्म में लिखा रहेगा मैंजीफेरा प्रिंटेड में इंडिका उसके बाद जो है नॉन इटैलिक फॉर्म में यल आई एन एन बोल ठीक है उसको अंडरलाइन नहीं करना चाहिए ऑथर नेम नेक्स्ट इन केस जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम्स आर गोइंग टू बी सेम जीनस नेम और स्पीशीज नेम अगर सेम रहेंगे तो व्हाट यू कॉल टाउटोनिम्स। इफ जीनस एंड स्पीशीज नेम सेम वी कॉल वी कॉल दम क्या बोलेंगे उनको टाउटो नीम्स बोल रहे हैं अगर जीनस नेम स्पीशीज नेम सेम रहेंगे तो हम जो है उनको हम टाउटो निम्स बोल सकते हैं वी कॉल दैम टाउटो नीम्स एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं नाजा 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 यहां पर देखिए जीनस भी सेम है स्पीशीज भी सेम है तो ये कोबरा है कोबरा स्निक टाउटोनिम हो गया ये जैसे कि एक्सिस 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 डियर का नाम है कटला कटला बोल के फिश है साइंटिफिक नेम है कटला कटला फ्रेश वाटर एडिबल फिश है ये डीबल फिश एंड रेमेंबर टाउटोनिम्स आर यूज ओनली फॉर जोलॉजिकल नॉमन क्लेचर देर इज नो टाउटोनिम इन केस ऑफ प्लांट प्लांट के नेम में कभी भी टाउटोनिम नहीं आएगा साइन जोलॉजिकल नॉम क्लेचर में कभी कभी आ सकते हैं टोटो नेम्स यूज इन जोलॉजिकल नामन क्लेचर जोलॉजिकल नॉम क्लेचर में यूज करेंगे इसको बॉटनिकल नॉम क्लेचर में यूज नहीं करते इसको बॉटनिकल नॉम क्लेचर में यूज नहीं कर रहे ओनली जोलॉजिकल नॉम क्लेचर कटला कटला एक्सिस एक्सिस ये सब एनिमल के नाम हैं प्लांट में नहीं आते हुट द रूल्स ऑफ जोलॉजिकल नॉम क्लेचर आईसी जेड एन आईसीबीएन क्या है बोटानिकल ऑमन क्लेचर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल ऑमन क्लेचर और आईसी जेड एन क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमन क्लेचर तो लिखे क्या हम ही ऑलरेडी आईसीबीएन आईसी सेड एन सो क्योंकि हम नॉमन क्लेचर पढ़ रहे हैं तो हु सेट द रूल्स आईसी के लिए लिखेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमन क्लेचर बोटानिकल नॉमन क्लेचर है ये दे सेट द रूल फॉर प्लांट नॉम क्लेचर एंड वन मोर ऑर्गेनाइजेशन आईसी जेड एन है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमन क्लेचर कोड ऑफ है वो लैटिन लैंग्वेज से होना चाहिए ये सारी चीजें आ गए आपके पास अब नाउ वी विल राइट यस्टरडे वी हैव सीन टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हाउ मेनी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज सेवन ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज सेवन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपल्सरी इस, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं बट ऑब्लिगेटरी आर सेवन कल जो लिख रहे थे हम सेवन ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सेवन ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सेवन है Kingdom, फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस species कभी कभी एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं पॉसिबल है जैसे क्लास के बाद सब क्लास हो सकता है फैमिली के बाद सब फैमिली आ सकता है समझे लेकिन कंपलसरी सेवन है ओके क्लियर है एक्स्ट्रा कैटेगरीज कैन बी एडेड, एड कर सकते हैं एडेड लाइक सब ऑर्डर सब क्लास सब ऑर्डर सब फैमिली सब फैमिली सब जीनस सब स्पीशीज ऐसा होते हैं सब स्पीशीज सब स्पीशीज भी होता है वन एग्जाम्पल आई विल टेल यू चाइना रोज का जो साइंटिफिक नेम है चाइना रोज हाइबिस्कस रोजा साइनासिस हाइबिस्कस रोजा साइनासिस बताओ क्या है फर्स्ट वन क्या है जीनस नेम हाइबिस्कस रोजा स्पीशीज नेम सैनानसिस सब स्पीशीज नेम साइनासिस सब स्पीशीज नेम ट्राइ नॉमियल नॉमन क्लेचर हो गया ये तो आप बोलेंगे सर रूल तो चले गया ना बामियल नॉमन क्लेचर ऐसा नहीं है बाइनॉमियल नॉमन क्लेचर स्टिल वी आर फॉलोइंग एंड बाइनॉमियल नॉमन क्लेचर इज करेक्ट कभी कभी साइंटिफिक नेम में थ्री वर्ड आ सकते हैं सम टाइम एंड द थर्ड वर्ड इन साइंटिफिक नेम इंडिकेट सब स्पीशीज नेम नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं है वो कभी कभी रहेंगे थर्ड वर्ड अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे थर्ड वर्ड सब स्पीशीज नेम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द थर्ड वर्ड इन द नामन क्लेचर थर्ड वर्ड क्या रहेगा स्मॉल लेटर सब स्पीशियमॉल लेटर से जीनस को स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से सब स्पीशीज क्या है बोलते उसके अंदर टाइप है स्पीशीज के अंदर टाइप है प्रॉब्लम इज विद इन हाइबिस्कस ऑल्सो देर आर मेनी हाइबिस्कस एक हाइबिस्कस प्लांट स्पीशीज नहीं है हाइबिस्कस के अंदर कई वराइटीज हैं हाइबिस्कस रेड फ्लावर में भी आता है पिंक में भी आता है व्हाइट में भी आता है हाइबिस्कस अलग अलग वराइटीज के होते हैं तो इसलिए सब स्पीशीज है वो अब ह्यूमन में ऐसा तो नहीं है सब स्पीशीज सारे होमोसैपियनीस हैं, ठीक है, है? <coughs> तो ये था चाइना रोज सब स्पीशीज का एग्जाम्पल ना वेन यू गो फ्रॉम किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज वेन यू गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजिंग। व्हेन वेन वी मूव from kingdom to species तब तो हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजेस यस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बढ़ते चले जाएंगे सिमिलर होते चले जाएंगे वेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजस और वही अगर स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाऊंगा तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीजस जनरल कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स जनरल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट कॉमन कैरेक्टर राइट जैसे आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या पढ़ते हैं पहले उसके जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल अल्कोहल के पहले क्या पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि सारे अल्कोहल में वो प्रॉपर्टीज रहते हैं जनरल इन जनरल अल्कोहल्स आर लाइक दिस दिस मच ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऐसा बोल के लेकिन जनरल कैरेक्टर के बाद स्पेसिफिक कैरेक्टर आता है कॉमन कैरेक्टर ओके अब अल्कोहल में भी क्या है फिर मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल अलग अलग है तो एक अल्कोहल का फिर बॉइलिंग पॉइंट अलग रहता है दूसरे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग रहता है लेकिन जनरल कैरेक्टर में हम बोलते हैं जनरली दिस मच ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक कैरेक्टर इज डिफरेंट जनरल कैरेक्टर इज डिफरेंट when you move from kingdom to species common characteristics increases general characteristics decreases इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे हम अच्छा घुमा सकता है एग्जाम में इसमें एक और क्वेश्चन दे दिए which of the following is having more general characters फॉलोइंग फॉलोइंग इज मोर जनरल इन कैरेक्टर्स मोर जनरल इन कैरेक्टर ऑप्शन आर किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर क्या बोलते हैं मोर जनरल बोलना है आपको देखो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज़ व्हाट इज द किंगडम ऑफ ह्यूमन एनिमलिया ह्यूमन का किंगडम क्या लिखे आप एनिमलिया लिखे कॉकरोच का किंगडम लिखो एनिमलिया ऐसा कैसे हो सकता है ह्यूमन एंड कॉकरोच का अंडर सेम किंगडम किंगडम तो सेम ही हो गया ना लॉय टाइगर एलिफेंट सब जो है सेम किंगडम में आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम है इसका मतलब ये है दे हैव सम कैरेक्टर्स इन जनरल वॉट आर द सिमिलरिटी सिमिलर कैरेक्टर्स इन ह्यूमन एंड पेरी प्लानेट ऑफ मेरी का नाम बोलो बायलैटरल सिमेट्रिकल दोनों की बायलैटरल सिमेट्री की है बोथ आर हैविंग हिट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन बोथ आर हैविंग मेल एंड फीमेल सेपरेट हाँ बोथ आर हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है बहुत सिमिलर है कैरेक्टर सिमिलर भी हैं लेकिन पूरे सिमिलर नहीं तो यहां पर क्या लेना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर जनरल मोर कॉमन नहीं बोला मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉमन भी लिखो विच ऑफ द दोनों भी अगर क्वेश्चन लिख के रखेंगे बुक में तो कंफ्यूजन नहीं होगा मोर कॉमन कॉमन इन कैरेक्टर्स ये ऑप्शन ले लो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर बोलो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कहां जाना चाहिए आप किंगडम से स्पीशीज जाना चाहिए क्या बोला मैं अभी अभी वेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस बोला मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस इन लोअर जितना लोअर रहेगा उतना कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो सबसे लोअर यहाँ चार ऑप्शन में ऑर्डर है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर स्पीशीज होता तो जरूर वो लेता मैं स्पीशीज होता तो नहीं है ऑर्डर इज लोअर मोस्ट आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन एंड मोर जनरल बोल तो यहाँ पे हाइयर लेना मोर जनरल किंगडम इज मोर जनरल समझने क्लियर है हुँ. ये क्वेश्चन में अच्छा रॉन्ग करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा ही रॉन्ग करते मोर जनरल मोर कॉमन में बहुत ज्यादा रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं फर्स्ट क्या है इफ यू मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ेस एंड इफ यू मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस कॉमन कैरेक्टर्स एंड जनरल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट याद रखो चलो नेक्स्ट व्हाट आर द क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई लिखेंगे क्लासिफिकेशन आपको क्या करना है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज लिखना है ह्यूमन के लिए और हाउस फ्लाई के लिए ह्यूमन के लिए और हाउस फ्लाई के लिए कैन यू राइट कितने लिख सकते हैं ये तो बोलो हाउस फ्लाई और ह्यूमन के लिए ह्यूमन का किंगडम एनिमलिया हाउस फ्लाई का किंगडम एनिमलिया एक हो गया दूसरा बोलो फाइलम वेदर फाइलम इज गोइंग टू बी सेम नो ह्यूमन इज कॉर डेटा एंड हाउस फ्लाई इज अर्थ्रोपोडा अर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं कैन यू टेल द क्लास ऑफ ह्यूमन क्लास ऑफ ह्यूमन ह्यूम आर हैविंग हेयर्स मेमेरी ग्लैंड पिन्ना इसलिए ह्यूमन आ गए मेमेलिया में हाउस फ्लाई है कम अंडर इंसेक्टा थ्री पेयर्स ऑफ लेग रहे तो इंसेक्टा देन ऑर्डर दोनों का बताइए ह्यूमन का ऑर्डर है प्राइमेटा और हाउस फ्लाई का ऑर्डर है

मस्का स्पीशीज ह्यूमन की सेपियंस हाउस फ्लाई की स्पीशीज डोमेस्टिका रैंडमली कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है रैंडमली आपको पूछ सकते हैं फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं मैथ द फॉलोइंग भी आने के ज्यादा चांसेस हैं मैक्सिमम चांसे फॉलोइंग के हैं <coughs> लिख दिए आप सेम ऐसे ही ये टू एनिमल्स के हो गए अब अभी टू प्लांट्स के लिखेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स लिख दिए लाइक दैट लेट्स राइट क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट प्लांट के लिए भी लिखेंगे लिख लो ये प्लांट के लिए कौन सा प्लांट लेंगे एग्जाम्पल इस बार प्लांट ले लेंगे एक प्लांट है ना मैंगो ले लेंगे मैंगो और एक बात यहां फाइलम नहीं लिख सकता मैं डिवीज़न लिखना पड़ता लैंड क्लासिफिकेशन में क्या यूज करते हैं हम टर्म डिविजन यूज करते हैं मैंगो का एक लिखेंगे वीट का एक लिखेंगे वट इज द किंगडम ऑफ मैंगो प्लांटे डेफिनेटली प्लांटे और वीट भी प्लांटे डिविजन कौन सा आएगा एनजीओ स्पर्म एनजीओ स्पर्म ये भी एनजीओ स्पर्म क्लास कौन सा आएगा डाइकॉटिलिडान मैंगो इज डाइकॉटिलिडांस एंड वीट इज मोनोकॉटिलिडॉन्स मोनोकॉटिलिडॉन्स ऑर्डर बोलो भाई प्लांट के ऑर्डर नेम हमेशा कहीं में खत्म होना चाहिए एल ई एस एल ई एस पे खत्म होना चाहिए मैंगो का ऑर्डर आएगा सैपिंडेल्स सेपिंडेल और व्हीट का ऑर्डर आना चाहिए पोएल्स पोएल्स और दोनों की फैमिली भी बता दो मैंगो की फैमिली क्या है ना एनाकारसी नाकारसी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है मैंगो की फैमिली कौन सी है एनाकार्डिय वीट के पोएसी और जीनस क्या है बोलो दोनों की मैंगो की जीनस मैंजीफेरा स्पीशीज इंडिका यहां पे आना चाहिए वीट का साइंटिफिक नेम याद है किसी को ट्रीटिकम एसेटम ट्रीटिकम एसेटम मतलब फोर क्लासिफिकेशन यूर टू रिमेंबर फोर क्लासिफिकेशन आप याद रखना अच्छा लॉयन और टाइगर की क्लासिफिकेशन एनसीआरटी में दिया है या नहीं दिया है एक जगह बॉक्स में तो नहीं दिया लेकिन इधर उधर करके पूरा दिया है लॉयन और टाइगर लॉयन और टाइगर का आप, करेंगे, आप लिखेंगे लॉयन और टाइगर क्योंकि दिया है बुक में है वो रैंडमली दिया है इधर उधर कहीं पे क्लास लिख दिया है कहीं पे ऐसा लिखा है वो एक जगह करके नहीं दिया है क्वेश्चन जरूर पूछ सकता हूं लॉयन और टाइगर का लिखना है इवन लेपड का भी ओके लॉयन टाइगर लिख दिया तो लेपर्ड का खुद आ जाएगा अपना अपन लिखने <coughs> चलो लिखो लिखिए लिखिए जल्दी से लॉयन और टाइगर क्लासिफिकेशन नहीं आता दोनों एनिमलिया कितने आते उतने तो लिखो ना ये भी एनिमलिया में आएगा लॉयन ये भी एनिमलिया में आएगा एंड डिवीजन तो नहीं यूज करते बिकॉज इट इज एन एनिमल तो यहां पे फाइलम लिखें फाइलम क्या लिखो कॉर्डेटा लिखूंगा ना बैकबोन होती है इनको डेटा दोनों को कॉरडेटा क्लास बहुत बहुत शानदार क्लास कार्नियोरा लिखते हैं कार्नियोरा ऑर्डर है कार्नियोरा इज ऑर्डर नेम कार्नियोरा ऑर्डर नेम होता है ना क्लास बोलो क्या है हेरस ग्लैंड पिन्ना मेमेलिया दोनों भी मेमेलिया में आर्डर कार्नियोरा में आता है ये भी कार्नियोरा ये नया ही हो रहा है देखो दोनों का सेम ही चाहते जा रहा हा? दोनों का सेम ही आ रहा है फैमिली फैमिली क्या आएगा फैली डे डे। अब तो हद हो गई पूरा सेम कैसा हो सकता है ये जब दोनों के जीनस नेम सेम आएंगे तो पूरा सेम आएंगे ना ऊपर पैंथेरा पैंथेरा हाँ यहां पे अलग हो जाएगा ये लियो है ये टिग्रीस है में आया दैट मीन्स लॉयन एंड टाइगर आर सिमिलर अप टू जीनस अप

इसका मतलब ये है सोलानम ट्यूबरोसम सोलानम मेलोन्जिना सोलानम निग्रम उन सब का भी सेम ही रहेगा क्लासिफिकेशन सोलानम निग्रम एंड सोलानम ट्यूबरोसम बिलोंग्स टू सेम फैमिली और डिफरेंट फैमिली सेम फैमिली क्योंकि अप टू जीनस सेम है इतना तो लगाना पड़ेगा ना माइंड सोलानम ट्यूबरोसम सोलानम निग्रम दोनों का जीनस सेम है दैट मींस पूरा सेम रहना चाहिए ऊपर पूरा सेम रहना चाहिए ओके okay, चलिए और कहीं पे एनसीआरटी में डाउट आपका what इज मीन by hierarchy hierarchy क्या होता है hierarchy मतलब लिस्ट रारकी मीन्स लिस्ट आईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिस्ट आइर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा भी एक पेज नंबर टेन में एनसीआरटी में जो लिखा है स्पीशीज से किंगडम की तरफ गया है स्पीशीज से किंगडम की तरफ गया वेदर इट इज करेक्ट मेथड स्पीशीज से किंगडम जा सकते हैं या किंगडम से स्पीशीज़ से जाना है तो दोनों मेथड सही है यू कैन गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़ और स्पीशीज टू किंगडम और इन्हें लिखा उन्हें बिलो द डायग्राम फिगर के नीचे लिखा है कैटेगरी शोइंग हेरकियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर बोल के लिखा है देखो पेज नंबर एट पेज नंबर एट पे थर्ड लाइन ही देखो क्या है हेंस कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉम क्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनोमी दैट मीन्स यहां पे जो ऑर्डर फॉलो किया है वो ऑर्डर याद रखना है आपको कैरेक्टराइजेशन फिर आइडेंटिफिकेशन देन क्लासिफिकेशन एंड देन एन क्लेचर रैंडम नहीं होना चाहिए वॉट इज द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी कैरेक्टराइजेशन सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन फिर क्लासिफिकेशन लास्ट में आना नॉम क्लेचर देखो नाम में लास्ट में लिखना, आप ही बोलो पेंथरा लियो कब लिखा मैं पेंथेरा लियो लास्ट में लिखा मैं नॉमन क्लेचर शुड बी एट द लास्ट ट द बिगिनिंग नॉट इन द मिडिल नॉमन कर एंड द टर्म टेक्सोनॉमी वहीं पर लिख दीजिए बुक में टर्म टेक्सोनॉमी बहुत पॉपुलर है टर्म टेक्सोनॉमी गीवन बाई ए पी डी कैंडोल द टर्म टेक्सोनॉमी गीवन बाई ए पी डी कैंडोल term taxonomy given by apd candle if i say animals dogs cats okay if i use only uh, if i use these three groups एनिमल डॉग्स कैट्स यहां पे क्या होगा ये टेक्सॉन होगा या टैक्सा होगा ये ये टेक्सॉन होगा या टैक्सा होगा टैक्सा होगा ये प्लूरल फॉर्म है बिकॉज इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू एनी वन रैंक एनी वन रैंक जबकि एनिमल्स तो एक रैंक में आता है किंगडम वाले रैंक में डॉग अलग वाले रैंक में आएगा स्पीशीज अलग रहेगी कैट की अलग रैंक रहेगी दैट मीन दिस इज टेक्सा ग्रुप ऑफ टेक्सॉन इज टेक्सा वीट अलग प्लांट है राइस अलग प्लांट है तो क्या बोलूँ मैं दोनों को मिला के टेक्सा बोलूंगा वीट क्या है टैक्सॉन है सिंगुलर वीट क्या है टैक्सॉन है वीट इज ए टाइप ऑफ प्लांट ए टाइप वन टाइप वीट so क्या हो गया टेक्सॉन होगा वीट और राइस क्या होगा टैक्सा होगा प्लूरल फॉर्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टैक्सा ऑल स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ वन क्लास टैक्सा वन स्टूडेंट टेक्सॉन और कहीं पे डाउट है आपको पढ़ते वक्त हाँ और एक जो है ना फर्स्ट पेज पे आ जाइए यून डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट पेज बिफोर साइंटिस्ट फर्स्ट पेज डाइवर्सिटी इन द यूनिट वन बल्कि लिखा हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड उसमें इसमें एक वर्ड है यहां पर आई एम सर्चिंग दैट इसमें पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं इन एनिमेट एनिमेट बोल के आ रहा है देखिए इन एनिमेट मीनस नॉन लिविंग इन एनिमेट नॉन लिविंग एनिमेट लिविंग नॉन लिविंग एनिमेट लिविंग ओके ये एक याद रखो और क्या है कहा है एंथ्रोपोसेंट्रिक कहा इधर है देखिए नाइन्थ लाइन पढ़ो एट नाइन्थ क्या है बोलो सोसाइटीज विच इंजल्ज मिले आपको लाइन सोसाइटीज इंजल्ड इन अंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी सोसाइटीज इंजल्ड इन इंजल्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रेजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज मिला वॉट इज मीन बाय दिस सोसाइटीज सोसाइटीज विच इंजल्ज इन अंथ्रापोसेंट्रिक हमेशा ह्यूमन सेंटर में रख के सबसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा तो लिटिल प्रोग्रेस होगा बोल रहा हूं आलवेज ह्यूमन इफ ट्राइंग टू गेट आलवेज गेटिंग बेनिफिट प्लांट से भी बेनिफिट एनिमल से भी बेनिफिट किसको भी नहीं छोड़ रहे सबसे बेनिफिट बेनिफिट अगर हमेशा ऐसे ही सोचेंगे तो इट विल रिजल्ट इन लिटिल प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज अगर ऐसा ही सोचेंगे तो कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वी हैव टू थिंक अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल वाई वी हैव टू सेट द जोलॉजिकल पार्क वाई वी हैव टू सेट बोटानिकल गार्डन्स क्यों रखना चाहिए फिर बेनिफिट की बात करेंगे क्या फॉर आवर बेनिफिट फॉर आवर एंटरटेनमेंट नहीं ऐसा नहीं है जोलॉजिकल पार्क इज फॉर देयर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लॉयन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग इन फॉरेस्ट सच एनिमल्स आर ब्रॉड कैप्टिन कैप्टिविटी आ रख रहे हैं उनको कैप्टिविटी कैप्टिविटी का मतलब क्या है ह्यूमन सुपरविजन में रखेंगे ह्यूमन सुपरविजन ह्यूमन सुपरविजन में रखेंगे कैप्टिविटी में रखेंगे कंट्रोल्ड कंडीशन में रखेंगे सो सोसाइटीज विच थिंक अबाउट देयर बेनिफिट एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन ऑलवेज थिंक अबाउट देर बेनिफिट दे डू लिटिल प्रोग्रेस बिकॉज देयर स्पीशीज आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट अवर अल्टीमेट रिसोर्सेस आर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ही हैं हमारे पास अल्टीमेट रिसोर्स क्या है बोलते इंडिया में क्या है इंडिया में किस चीज की वैल्यू है रिसोर्स प्लांट्स एनिमल और किसी की वैल्यू नहीं है मेटल्स नॉन मेटल्स ये सब वैल्यूएबल चीजें हैं हमारे पास पेट्रोलियम अगर नहीं है ये रिसोर्सेस तो आपके पास कुछ भी नहीं है आप प्लांट्स रहेंगे तो आप मेडिसिन बना सकते हैं मेडिसिन बना के आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं उनके कंट्री से कुछ मंगा सकते हैं अपने कंट्री से कुछ भेज सकते हैं समझ रहे हैं प्लांट्स नहीं है बायोडाइवर्सिटी नहीं है इफ स्पीशीज आर गोइंग टू बी एक्सटिंग एवरी डे सो ऑल द रिसोर्सेस विल बी लॉस्ट ये याद रखना है ऑलमोस्ट ऑल जितने भी लाइन जहां पे बच्चों को डाउट आ सकते थे सारे सारे बता दिया हूं मैं। कोई डाउट नहीं बचा है लिविंग वर्ल्ड में अब लास्ट एड्स एक टॉपिक है। टेक्सोनोमिकल एड्स उससे पहले तक आपको एक भी डाउट नहीं है एक बार देख लेना है एनसीआरटी में कोई डाउट रहा तो क्लियर कर लेंगे कल एंड टमोरोक्सोनोमिकल एड्स थैंक यू